हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस सिचुएशन वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए एक डिफरेंट टाइप का बॉर्डर लेके आई हूँ। जो देखिए, मैंने बॉर्डर यहाँ पर डाला हुआ है और बटन पट्टी भी सेम वैसे ही हम बनाएंगे, और बिल्कुल बहुत ही सुंदर सा ये डिज़ाइन आपका बनकर आएगा। और आप इसको फुल कार्डिगन पर भी अप्लाई कर सकते हो, लेडीज जेंट्स किसी भी स्वेटर पर फुल भी आप बना सकते हो, और इस तरह से बटन पट्टी और बॉर्डर भी आप बना सकते हो। ये देखिए कितना प्यारा है ये डिज़ाइन। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। अगर आपको डिज़ाइन और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस डिज़ाइन की ओर। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपने 4 से गुणा करके फंदे रखने हैं और प्लस करना है उसमें 3। 4 के मल्टीपल में आपने फंदे रखने हैं और प्लस उसमें 3 कर लेना है। इतने फंदे आपने नीटिंग नीडल में लगा लेने हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर 15 स्टिचेस लगा लिए हैं। 15 फंदे मैंने यहाँ पर डाले हैं, 4 से गुणा करके 12 और प्लस उसमें 3 करके 15 फंदे मैंने यहाँ पर रखे हैं। तो चलिए अब हम इसको पहली रो से बनाना स्टार्ट करते हैं। 4 रो का ये डिज़ाइन है और हर 4 रो के बाद ये डिज़ाइन रिपीट होता है। तो आपको 4 रो ध्यान से देखनी होगी इस डिजाइन को अच्छे से बनाने के लिए। बहुत ही आसान सा ये डिजाइन है। अब देखिए क्या करेंगे। पहला फंदा देखिए ऐसे ही हमने उतारा, जो एज स्टिच है हमारा उसको सीधा बनाया हमने सीधी तरफ से, रो 1 राइट साइड से पहला फंदा सीधा उतारा। फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा आगे, 1 फंदा उल्टा। और देखिए यही हम पूरी रो में रिपीट करेंगे। एक फंदा उल्टा बनाएंगे और 3 फंदे सीधे, 2 3, धागा आगे, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। और इसी तरह से देखिए पूरी रो में आपने करते जाना है। और लास्ट में देखिए आपके पास बचेंगे 2 फंदे, वो आपने एक उल्टा बनाना है और धागा पीछे करके लास्ट का फंदा सीधा। तो देखिए इस तरह से पहली रो हो गई है राइट साइड। रो 2 में रॉन्ग साइड से, रो 2 और जितनी भी रॉन्ग साइड की रो पड़ेंगी वो हमने सेम इसी रो की तरह बनानी है, रो 2 की तरह ही हमने बनानी है। तो इस रो को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या करेंगे, पहला फंदा उल्टा बनाया, फिर धागे को पीछे ले जाएंगे, 1 फंदा सीधा, सीधा फंदा वो बनाएंगे जो पिछली रो में हमने उल्टा बनाया था, फिर धागा आगे लाकर 3 फंदे जो हमने पीछे सीधे बनाए थे वो हम रो 2 रॉन्ग साइड से उल्टे बनाएंगे, 2 और ये 3, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा आगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, धागा आगे, 3 फंदे उल्टे। और देखिए इसी तरह से आपने पूरी रो ये कंप्लीट करनी है। एक फंदा सीधा बनाएंगे और 3 फंदे ये उल्टे हमारे पड़ेंगे। और लास्ट में आपके पास बचेंगे 2 फंदे, वो देखिए एक सीधा बनाना है और लास्ट का फंदा उल्टा। अब आ जाइए रो 3 में राइट साइड से। इस रो को भी आप ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या करेंगे, पहला फंदा देखिए ऐसे ही सीधा उतारा हमने यहाँ पर, फिर धागे को आगे लाएंगे, 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागे को देखिए यहाँ पर हम जाली डालेंगे, धागे को हम यूं घुमाएंगे, फिर से देखिए एक बार यहाँ पर 1 फंदा उल्टा बनाया। अब उल्टे फंदे बनाने के बाद हम जाली डालेंगे, यहाँ पर फंदा हम इस तरह से आगे लाएंगे, और फिर हम आगे वाले 3 फंदे जो हमने सीधे बनाए थे उनका 1 फंदा हमने करना है, 3 का 1 फंदा करना है, और ये देखिए हम उल्टा बनाएंगे इस तरह से। फिर धागे को देखिए फिर से हम यूं घुमाएंगे, जाली यहाँ पर डालेंगे, फिर 1 फंदा उल्टा, फिर से धागे को घुमाकर 3 फंदों का 1 फंदा करेंगे और ये हम उल्टे बनाएंगे। और देखिए यही हम पूरी रो में रिपीट करेंगे। इस पूरी रो में देखिए क्या करेंगे, पहले देखिए उल्टा फंदा बनाया, फिर धागे को घुमाएंगे,
एक फंदा उल्टा, फिर धागे को घुमाकर तीन फंदों का एक फंदा करना है। वो तीन फंदे जो हमने सीधे बनाए थे उनका एक किया, फिर से धागे को घुमाकर एक फंदा उल्टा। देखिए इसी तरह से आपने पूरी रो में ये करते जाना है। क्या करेंगे देखिए, एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए एक फंदा पहले सीधा बनाया, फिर एक फंदा उल्टा बनाया यहाँ पर, फिर उसके बाद हम धागे को घुमाएंगे, जाली डालेंगे, तीन का एक फंदा बनाएंगे और ये उल्टा बनाएंगे, फिर से जाली डालेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर से जाली डालकर तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे। और इसी तरह से पूरी रो हम ये कंप्लीट करेंगे। लास्ट में देखिए हमारे दो फंदे बचेंगे, एक फंदा हमने उल्टा बना लिया धागे को घुमाकर और एक लास्ट का फंदा ये सीधा हम बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए रो थ्री हो गई ये हमारी राइट साइड से। अब रो फोर देखिए हमने सेम रो टू की तरह ही बनानी है। रॉन्ग साइड से हमने पूरी रो में सिर्फ रो टू ही रिपीट करनी है। फिर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, एक फंदा पहले उल्टा बनाया, फिर एक फंदा सीधा, फिर तीन फंदे ये उल्टे पड़ेंगे, 1 2 3, फिर धागे को पीछे ले जाकर एक फंदा सीधा, धागा आगे लाकर तीन फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा आगे तीन फंदे उल्टे, 2 3। और इसी तरह से देखिए पूरी रो कंप्लीट करनी है। लास्ट में आपके पास बचेंगे दो फंदे, वो एक सीधा बनाना है और लास्ट का फंदा। और यहाँ पर देखिए हमारा डिजाइन भी ओवर हो जाता है। अब यही चार रो हमने बार बार रिपीट करनी है। यहाँ पर फिर से हमारी रो वन पड़ेगी, फिर रो टू, फिर रो थ्री, फिर रो फोर। इस तरह से हम ये चार रो ही बार बार रिपीट करेंगे और इस तरह से हमारा ये डिजाइन आता जाएगा। जितना भी आप बॉर्डर बनाना चाहते हो इस तरह से बॉर्डर बना सकते हो, और अगर फुल आप डिजाइन डालना चाहते हो फुल डिजाइन भी डाल सकते हो। और अगर आप इस तरह से बनाना चाहते हो तो देखिए ये जो बटन पट्टी है इसके लिए मैंने यहाँ पर 10 फंदे लिए हैं, 10 स्टिचेस मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। और उसके बाद देखिए ये जो आगे मैंने डिजाइन डाला है यहाँ पर, ये मैंने तीन फंदे सीधे एक उल्टा, तीन फंदे सीधे एक उल्टा, तीन फंदे सीधे एक उल्टा, इस तरह से मैंने ये डिजाइन यहाँ पर डाला है। तो आप इस तरह से भी बना सकते हो। देखिए अगर आप कुछ यूनिक सा डिजाइन बनाना चाहते हो बॉर्डर में और बटन पट्टी में तो आप इस तरह से बनाइए, आपका कार्डिगन बहुत ही प्यारा बनेगा। और जेंट्स स्वेटर में भी आप इस डिजाइन को डाल सकते हो, बेबी स्वेटर, किसी भी प्रोजेक्ट पर आप इसको बना सकते हो। तो चलिए रो वन से लेकर रो फोर तक कंटिन्यू कीजिए जितना भी आप डिजाइन डालना चाहते हो। और इस तरह से बॉर्डर के बाद अगर आप बटन पट्टी पे बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपने 10 फंदे रखने हैं। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।